ये तो हम सब लगातार देखते आ रहे हैं कि पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी को अनेकों अनोखी सौगातें दे चुके हैं, लेकिन अब पीएम मोदी ने शहर के बढ़ते पर्यटन को ध्यान में रखते हुए गंगा घाट के दूसरे किनारे पर टेंट सिटी का निर्माण करवाया है, जिसका आज उन्होंने उद्घाटन किया है। आपको बता दें, ये टेंट सिटी कोई आम टेंट सिटी नहीं, बल्कि गंगा किनारे किसी 5-स्टार होटल जैसी लग्जरी सुविधाएं प्रदान करने वाली सिटी है, जो विदेशी पर्यटन को बढ़ाने में कारगर साबित होगी। आइए इस टेंट सिटी से जुड़ी कुछ खास बातें आपको बताते हैं। इस टेंट सिटी को 3 कैटेगरीज में बनाया गया है, जिसमें 150 कमरे हैं। सिटी में रहने वाले पर्यटकों के लिए तमाम सुविधाओं का इंतजाम किया गया है। बनारस की आरती के साथ साथ काशी विश्वनाथ के दर्शन भी कराए जाएंगे। इस टेंट सिटी की बुकिंग की सुविधा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से है। सिटी में लग्जरी विला के अलावा योग सेंटर, हॉल, जिम और स्पा, आर्ट गैलरी, कॉन्फ्रेंस हॉल और श्रद्धालुओं के गंगा स्नान के लिए फ्लोटिंग बाथ कुंड भी लगाया जाएगा, जिस पर लोग गंगा में डुबकी लगा सकेंगे। इसके साथ ही गंगा की साफ सफाई को ध्यान में रखते हुए उच्च स्तर की सैनिटाइजेशन की सुविधाओं के साथ मांस मदिरा पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। लेकिन मोदी जी के विरोधियों द्वारा विकास के कामों में अटकल न पैदा की जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ विरोधियों द्वारा टेंट सिटी को लेकर ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि कैसे वहां से नाविकों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन हम आपको ये बता दें कि टेंट सिटी गंगा घाट के किनारे बसा है, जहां पर्यटकों की संख्या बढ़ने से नाविकों को ही नहीं बल्कि तमाम स्थानीय लोगों के सामने रोजगार के अनेक अवसर पैदा होंगे। लेकिन मोदी विरोध में अंधे लोग ये विकास आखिर देखें भी तो कैसे?